एक एक शब्द हमारे लिए कितने मायने रखते हैं, एक एक शब्द हमें कितना बतलाते हैं, एक एक शब्द हमें क्या सिखाते हैं, एक एक शब्द हमें क्या कहना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं, उसके ऊपर हम बातचीत कर रहे हैं अल्फाबेट सीरीज। और कल हमने बात करी थी कौन से शब्द की, कौन से शब्द, यू। जो आदमी समझ के समय पर जीवन में यू टर्न ले लेता है वो बच जाता है। बराबर समझना, जो इंसान यह जीवन में, खुद के जीवन में समझ ला करके समय पर यू टर्न ले लेता है उसका जीवन निश्चित तौर पर बच जाता है, वरना जब तक यू टर्न नहीं लिया तब तक जीवन बचना मुश्किल हो जाएगा। और यू के बाद आने वाला वर्ड कौन सा है भाई, कौन सा है, वी। वी हमें यह संदेश देता है, वी हमें यह सिखाता है कि लाइफ कैसी होनी चाहिए। कहते हैं कि लाइफ वैल्यूएबल होनी चाहिए, जीवन की कुछ अहमियत हो, वैल्यूलेस ना हो, जीवन ऐसा ना हो जहां आपके खुद के जीवन की खुद को कोई वैल्यू ना हो। आपको पता है लोग आत्महत्या कर लेते हैं, लोग जीवन परिपूर्ण कर देते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि हमारी लाइफ की कोई वैल्यू ही नहीं। लोग हताश निराश परेशान हो जाते, लोग दुखी होकर के जीवन बिता लेते हैं, जीवन का आनंद नहीं ले पाते, क्योंकि उन्होंने लाइफ को वैल्यू लेस बना दिया है। मैं आपको कहना चाहता हूं कि वी हमारे लिए यह संदेश लेकर के आता है कि लाइफ को वैल्यूएबल बनाए, कुछ तो वैल्यू हो हमारे जीवन की, जो जीवन के लिए परमात्मा ने कहा हो, जो जीवन के लिए गुरुओं ने कहा हो, जो जीवन के लिए धर्म ग्रंथों ने कहा हो, जो जीवन के लिए शास्त्रकार भगवंतों ने कहा हो, जो जीवन के लिए हमारे उपकारियों ने कहा हो, जो जीवन के लिए हमारे माता पिता ने कहा हो, जो जीवन के लिए हम इतना कुछ सुनते हैं, जो जीवन के लिए इतनी महत्व की बातें हमारे कानों पर पड़ती है, फिर भी हमारा जीवन वैल्यूलेस हम कैसे समझ सकते हैं। वैल्यूएबल हो, और वैल्यूएबल कब होगा, जब हम खुद हमारे जीवन की वैल्यू करें, हम खुद हमारे जीवन के महत्व को समझे, हम खुद हमारे जीवन के महत्वता को समझे, तभी जाकर हमारा जीवन वैल्यूएबल हो सकता है। जब तक हमें खुद को हमारे जीवन की वैल्यू नहीं है, तब तक लोगों की नजर में आपकी वैल्यू कभी नहीं बढ़ेगी। आपको यह समझना पड़ेगा कि मेरी लाइफ वैल्यूएबल है, और इसलिए कहा गया कि वैल्यूएबल लाइफ बनाना है तो 3 वी को संभालना पड़ेगा। यदि आपके पास 3 वी है और 3 वी को आपने संभाल लिया तो निश्चित तौर पर आपकी लाइफ वैल्यूएबल बन जाएगी। जीवन में 3 वी को संभाल लेना, लाइफ को यदि वैल्यूएबल बनानी है, लाइफ की कोई वैल्यू खड़ी करनी है, लाइफ को वैल्यूलेस नहीं बनानी है, तो 3 वी को निश्चित तौर पर संभालना पड़ेगा। और 3 वी में सबसे पहले नंबर का वी है विजन। विजन यानी आपका विचार, आपके चित्त की दशा, आपके विचार की अवस्था कौन सी है, आप क्या सोचते हो जीवन के लिए, आप क्या विजन लेकर बैठे हो। कहा कि लाइफ को वैल्यूएबल बनाना है तो सबसे पहला वी आपके जीवन में होना चाहिए विजन। आपके जीवन का विजन क्या, आपको कहां पहुंचना है, आपको कहां जाना है, आपको क्या प्राप्त करना है, आपको क्या हासिल करना है, हमें कुछ भी नहीं पता। बिना विजन के हम हमारा जीवन आगे बढ़ा रहे हैं, लेकिन शास्त्रकार भगवान कहते हैं कि समझ लेना जीवन के लिए कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर होना चाहिए। जीवन को यदि वैल्यूएबल बनाना है तो विजन धुंधला नहीं चल सकता, विजन बहुत क्लियर होना चाहिए। हमारे पास कोई फ्यूचर प्लानिंग नहीं है, जीवन को कहां ले जाना हमें कुछ पता नहीं है, बस सुबह होती है, आज के दिन का हम सोच लेते हैं, कल का सोच लेते हैं, महीने बाद का सोच लेते हैं, साल भर का सोच लेते हैं, उससे ज्यादा आगे हम सोच नहीं पाते जीवन में। लेकिन शास्त्रकार भगवान कहते हैं कि बराबर समझ लेना जीवन में विजन बहुत क्लियर होना चाहिए। आपका विजन बहुत धुंधला है,
क्रिस्टल क्लियर जब तक विजन नहीं हो तब तक आपका जीवन वैल्यूएबल नहीं बन सकता। और हमने जीवन में आज तक कोई भी विजन नहीं चुना, विजन नहीं बनाया, कोई भी लक्ष्य नहीं बनाया। जब जब भी हमने सोचा सब धुंधला सोचा, जब भी हम सोचने की बारी आई सब धुंधलापन में हमने बिता दिया, कभी क्लियर बनने की कोशिश नहीं करी। और इसीलिए शास्त्रकार भगवान कहते हैं कि लाइफ को वैल्यूएबल बनानी है तो 3 V को निश्चित तौर पर संभालना पड़ेगा। सबसे पहले नंबर में क्या संभालना है, आवाज नहीं आ रही, क्या संभालना है? विजन, विजन क्लियर, आपकी सोच क्लियर। विजन यानी क्या? हमारी सोच, हमारा माइंड क्लियर होना चाहिए कि हमें क्या करना है। टू डू लिस्ट जैसे बनती है हर रोज के लिए कि आज क्या करना है, इसी तरह से हमारे पास लाइफ की टू डू लिस्ट होनी चाहिए कि जीवन में क्या करना है, जीवन में क्या करना है, जीवन में क्या पाना है, जीवन में कहां जाना है। ये सारी चीजें हमारे सामने क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए, तभी जाके आपकी लाइफ वैल्यूएबल बन पाएगी। वरना संसार में हजारों लोग प्रतिदिन आते हैं और हजारों लोग प्रतिदिन चले जाते हैं, किसी की कोई वैल्यू नहीं है। वैल्यूएबल लाइफ बनानी है तो विजन क्लियर करो, मुझे कहाँ जाना है, मुझे क्या करना है, मुझे किस तरह से चलना है। सारी चीजें हमारे सामने क्लियर हो तभी जाके हमारी लाइफ वैल्यूएबल बन पाती है। इसीलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि लाइफ को वैल्यूएबल बनाना है तो 3 V आपके जीवन में बड़े महत्वपूर्ण है। नंबर 1 विजन, नंबर 2 VIEW व्यू, व्यू यानी हम क्या देखते हैं। आप घर लेते हो तो सोचते हो कि घर का व्यू बराबर हो। बंबई में लोग घर लेते हैं तो ये सोच कर लेते हैं कि सी व्यू आता है या नहीं आता। यहां आप जब भी घर लेने के लिए जाते हो, मकान खरीद करने के लिए जाते हो, बंगला लेने के लिए जाते हो तो देखते हो कि आसपास का व्यू कैसा है। खिड़की खोले तो हमें क्या दिखाई देगा, खिड़की खोले तो हमारी आंखों के सामने क्या आएगा, ये सोचकर आज का इंसान घर खरीदता है। लेकिन आज के इंसान को ये पता है कि घर के लिए कैसा व्यू होना चाहिए, लेकिन आज के इंसान को ये नहीं पता कि जीवन के लिए कैसा व्यू होना चाहिए। घर के व्यू के लिए आप बहुत सोचते हो, खिड़की खोलेगे तो क्या दिखाई पड़ेगा, दरवाजा खोलेगे तो क्या दिखाई पड़ेगा, आसपास में कहीं गंदगी तो नहीं है, आसपास में कहीं बुरा वातावरण तो नहीं है, आसपास में कहीं गलत लोग तो नहीं है। सब चीज देख करके आप घर लेते हो, लेकिन बड़े मजे की बात यह है कि आज के इंसान को यह पता है कि घर के लिए व्यू कैसा होना चाहिए, लेकिन आज के इंसान को यह नहीं पता कि जीवन के लिए व्यू कैसा होना चाहिए, कैसा व्यू हो। क्योंकि आंखें बड़ी महत्वपूर्ण है, बराबर समझना, जीवन में बराबर समझ लेना, ये आंखें बड़ी महत्वपूर्ण है। और हमारे यहां तो शास्त्रों में यहां तक लिखा गया कि जीवन में पापों का यदि कोई प्रवेश द्वार है तो ये आपकी आंख है, बराबर समझना। कोई पूछे आपको कि भाई पाप आपके जीवन में कहां से प्रवेश करते, प्रवेश करते यानी कोई तो एंट्री गेट होगा, जो एंट्री गेट को बंद कर दिया जाए तो कहीं ना कहीं से हमारे जीवन में पाप आना कम हो जाएंगे, हमारे जीवन में पापों का प्रवेश कम हो जाएगा, वैसा एंट्री गेट कौन सा है। तो शास्त्रकार भगवान स्पष्ट रूप से कहते हैं कि बराबर समझना, पापों का यदि कोई प्रवेश द्वार है तो वो आपकी आंख है, आंख से ही पापों का प्रवेश होता है। आप रास्ते पे चल रहे थे, आपने किसी की बेहतरीन कार देखी, आपकी आंख ने देखी, और जैसे ही आंख ने देखी मन ने संकल्प किया कि मेरे पास ऐसी गाड़ी होनी चाहिए। और अब यह संकल्प कर लिया है तो इसके लिए जो भी पाप करना पड़ेगा, जहां भी भागना पड़ेगा, जहां जाना पड़ेगा, जो करना पड़ेगा, सब करने के लिए यह मन राजी हो जाएगा। देखा किसने, किसने देखा? आंख ने देखा। जब आंख ने देखा तब मन ने संकल्प किया, बिना उसके मन भी संकल्प नहीं कर पाता। किसी का घर देखा बेहतरीन था, मन ने संकल्प कर लिया कि मेरे पास भी ऐसा घर होना चाहिए। कोई रूपवती स्त्री को देखी, मन ने संकल्प कर दिया कि मेरे पास भी ऐसी रूपवान स्त्री होनी चाहिए। किसी की संपत्ति को देखा, मेरे मन ने संकल्प कर लिया कि मेरे पास भी ऐसी संपत्ति होनी चाहिए। इसीलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, कान खोल कर सुन लेना, आंखों को जितना संभाल लोगे उतना पापों से बच पाओगे, और आंखों को जितना खुला छोड़ दिया उतने पाप आपके जीवन में बेशुमार प्रवेश कर पाएंगे।
और इसलिए आपने देखा होगा कि योगी लोग जब भी बैठते हैं ज्यादातर आंखों को मूंद के रखते हैं, आंखों को बंद करके रखते हैं। संत सन्यासी योगी आंखों को बंद करने की चेष्टा करते हैं, क्योंकि प्रवेश द्वार पापों का यदि कोई है तो वो आपकी आंख है, कान खोलकर सुन लेना। और पुण्य का प्रवेश द्वार कौन सा है ये भी समझ लो। पापों का प्रवेश द्वार यदि आपकी आंख है तो पुण्य का प्रवेश द्वार आपके कान है, बराबर समझना। जो भी सत्कर्म करने की इच्छा होती है कानों से कुछ अच्छा जाए तभी जाकर होती है, उसके बिना नहीं हो पाती। अच्छा देखकर अच्छा करने का मन कम होता है, अच्छा सुनकर अच्छा करने का मन ज्यादा होता है। आज इतनी सारी तपस्या कहीं ना कहीं गुरु के शब्द कान में पड़े होंगे। तपस्या तो आप सालों से देख रहे हो, आपके आसपास में अनेकों लोग तपस्या कर रहे हैं, लेकिन फिर भी गुरु के शब्द जब तक कान में नहीं पड़े थे तब तक वो पुण्य का प्रवेश द्वार खुला नहीं, वो पुण्य उपार्जन करने का मन नहीं हुआ। लेकिन जब गुरुदेव के पास गए होगे और गुरुदेव ने कहा होगा प्यार से कि बेटा कर ले, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, थोड़ी हिम्मत लगा ले, थोड़ी हिम्मत जुटा ले, तेरी तपस्या परिपूर्ण हो जाएगी, तब जाके आप सबकी तपस्या परिपूर्ण हुई है। इसीलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि बराबर समझ लेना, ये जो कान है ना ये पुण्य का प्रवेश द्वार है। कान का जितना इस्तेमाल करोगे जीवन में उतना पुण्य बढ़ता जाएगा, और आंख का जितना इस्तेमाल करोगे जीवन में उतना पाप बढ़ता जाएगा। बराबर समझी ले जो क्यारे अपना मन नी अंदर सवाल उभो थाय कि भाई अपना जीवन नी अंदर आटला बधा पापों के, अपना जीवन नी अंदर पुण्य ओछू के, त्यारे शास्त्रकार भगवान तो एनो जवाब आपे छे कि पापों नो प्रवेश द्वार जो कोई होय ने तो ए तमारी आंख छे, आंखों थी जोई ने जीवन नी अंदर बधा ज पापो आव्या छे। बराबर समझी लेजो, आंख बंद करता अपने आवड़ी जाए ने तो जीवन नी अंदर पापो मिनिमम थई जाय। संतो योगी पुरुषो महापुरुषो वधारे समय आंखों बंद राखीने बैसे छे, कारण के आंख थी जीवन में पाप प्रवेश करे छे, अने पुण्य नु प्रवेश द्वार जो कोई होय ने तो ये तमारा कान छे। कान नो जे वधारे उपयोग करे एना जीवन में पुण्य वधारे होय, अने आंख नो जे वधारे उपयोग करे एना जीवन में पापो वधारे होय। तमारे जो पुण्य मेळववो होय, जीवन पुण्य थी चाले छे, जीवन पुण्य थी आगळ वधे छे, अने दुख पापो थी आवे छे, तमारे जो दुख ओछू करवो होय अने सरळता थी जीवन जीववू होय तो आज थी संकल्प करी लो, आंखो नो उपयोग ओछो करवो अने कान नो उपयोग वधारे करवो। हम ये नहीं समझ पाते। जीवन भर आप देखना, आपको प्रतीत होगा कि आपने ज्यादातर उपयोग क्या किया, तो कि आंखों का ही उपयोग किया, कानों का उपयोग कम किया। सच कहना, 24 घंटे में एक घंटा शायद प्रवचन सुन लेते होगे, और कोई थोड़ा बहुत समय कोई प्रेरणा की बात आपके कान पर पड़ती होगी, इसके अलावा कान का उपयोग आप पूरे दिन में कहां करते हो? सोचना जरा एक बार, 24 घंटे में आप कान का उपयोग कब करते हो? ये चतुर्मास चल रहे हैं तो प्रवचन सुनने का अवसर भी मिल जाता है, चतुर्मास नहीं हो तो शायद वो अवसर भी आपको प्राप्त नहीं होता, तो उतना भी उपयोग कान का नहीं होता। कौन है आपके कान का उपयोग करवाने वाला? और दूसरी बात ये सोचना, आंखों का उपयोग कितना? सुबह उठे वहां से रात सोए तब तक मात्र मात्र आंखों का उपयोग होता है, और इसलिए पाप आपके जीवन में ज्यादा है और पुण्य आपके जीवन में कम है, क्योंकि आप आंखों का इस्तेमाल ज्यादा करते हो, कानों का इस्तेमाल कम करते हो। बराबर समझ लेना, जब भी जीवन में लगे कि पाप बढ़ रहा है पुण्य कम हो रहा है तो समझ लेना कि आंखों का इस्तेमाल ज्यादा हो रहा है और कानों का इस्तेमाल कम हो रहा है। जिस दिन आपको कान का इस्तेमाल ज्यादा करना आ गया ना, उस दिन आपके जीवन में पुण्य बढ़ जाएगा और पाप घट जाएगा। वैल्यूएबल लाइफ नंबर वन, नंबर वन विजन, नंबर टू व्यू, एंड नंबर थ्री विजिट। आप किसकी मुलाकात लेते हो, आप किसके संपर्क में रहते हो, विजिट आपकी कहां पर है? आपको शायद पता ना हो तो बता दो, आप कैसे हो ये कैसे पता लगाया जा सकता है? बराबर समझना, आप कैसे हो
ये कैसे पता लगाया जा सकता है? तो कहते हैं कि आप जैसे लोगों के साथ रहते हो आप वैसे हो, ये पता लगाया जा सकता है। आपके आसपास के लोगों को देखकर आपका पता लगाया जाता है कि आप कैसे हो, आपकी मानसिकता कैसी है, आपकी मेंटालिटी कैसी है, आप कैसे लोगों को मिलते हो, आप कैसे लोगों के साथ उठते हो, आप कैसे लोगों के साथ बैठते हो, आप कैसे लोगों के साथ अपना समय पसार करते हो, ये सब सोचने वाली बातें। और ये सोच करके आदमी का पता लगाया जा सकता है कि आदमी कैसा है। विजिट, आपकी आवाजाही कहां पर है, आप किसके साथ उठते हो, किसके साथ बैठते हो, कैसे लोगों के साथ अपना समय बिताते हो, बड़ी सोचने वाली बात है। इसलिए शास्त्रकार भगवंत कहते हैं कि बराबर समझना, लाइफ को वैल्यूएबल बनानी है तो विजिट को भी संभालना पड़ेगा। मैं तो कई बार कहता हूं कि एक नेगेटिव इंसान जीवन में आ जाए तो आपका पूरा जीवन खराब कर देता है। ऐसे लोगों से विजिट मत करना, ऐसे लोगों से मिलना मत, ऐसे लोगों से जुड़ाव मत करना। और कहीं जुड़े हुए हो तो धीरे धीरे दूरियां बना लेना, क्योंकि वो जितने नजदीक रहेंगे आपके जीवन में नेगेटिविटी भरते रहेंगे। पूरा जीवन माइंड का गेम है और कुछ नहीं है। माइंड जितना नेगेटिव जीवन उतना नेगेटिव, माइंड जितना पॉजिटिव जीवन उतना पॉजिटिव। पूरी लाइफ क्या है तो कि माइंड गेम है और कुछ भी नहीं है। माइंड से आप शिथिल हो गए, माइंड से आप निराश हो गए, माइंड से आप हताश हो गए तो जीवन में कोई आपको उठा नहीं सकता, और माइंड से आप मजबूत हो तो जीवन में कोई आपको गिरा नहीं सकता। बराबर समझ लेना, लाइफ इज अ माइंड गेम। शरीर भले 6 फीट का हो लेकिन पूरा संचालन ये 1.5 फीट से हो जाता है। यहां से पूरा संचालन हो जाता है। लाइफ ये माइंड गेम है, बराबर समझ लेना। माइंड से आप हार गए तो जीवन से हार जाओगे, और माइंड से जीत गए तो जीवन से जीत जाओगे। बराबर समझना कि आदमी मैदान में बाद में हारता है, मन में पहले हारता है। मैदान में आदमी क्यों हारता है? क्योंकि मन से हार जाता है। जो मन से जीत गया उसको मैदान में नहीं हराया जा सकता। ये जिंदगी भी हमारे लिए मैदान है, और जिंदगी के मैदान में जीतना होगा तो मन से हार कर हम नहीं जीत पाते, नहीं जीत पाएंगे। इसीलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जीवन में संभाल लो, माइंड को डिस्टर्ब करे ऐसे लोगों से दूर रहो। लाइफ वैल्यूएबल होनी चाहिए, और लाइफ को यदि वैल्यूएबल बनाना है तो 3 V आपके जीवन में नितांत आवश्यक है। सबसे पहले नंबर में विजन, नंबर 2 व्यू, एंड नंबर 3। ये 3 V को हमने संभाल लिया ना तो लाइफ हमारी वैल्यूएबल बन जाए। प्रेम, भक्ति, आराधना, प्रवचन के अद्भुत संगम से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब करें गुरु प्रेम मिशन की यूट्यूब चैनल को, और ताज़ा अपडेट के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।